जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आपको पता है कि हम पेट की क्लासेस चला रहे थे, ठीक है, जिसमें हम हिस्ट्री देख रहे थे। और हिस्ट्री का दोस्तों ये लास्ट पार्ट होगा आज, ठीक है। देखिए कुछ दिन से हमारी क्लासेस नहीं आ रही थी। देखिए उसका कारण क्या था कि मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, ठीक है। मुझे टाइफाइड, जॉन्डिस और इसिनोफीलिया तीनों चीज़ें एक साथ हो गई थी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बेटर है, दवा ववा करवाया है, तो इसी जैसे क्लासेस थोड़ा सा नहीं आ पा रही थी बीच में, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग भी देखिए, आपके लिए हम क्लासेस चला रहे हैं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है कि शेयर करना क्लासेस, ठीक है। वो कहीं ना कहीं उसमें आप लोग थोड़ा सा मतलब कि नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कम कर रहे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मन भी नहीं होता है। क्योंकि बीमार होने के बाद भी अगर कोई क्लासेस बना रहा है तो कहीं ना कहीं उससे आपके लिए बेनिफिट है। तो थोड़ा सा आप लोग भी दिखाइए, है ना, थोड़ा सा करिएगा शेयर दबा के, ठीक है। चलिए अब देखिए, आज हम देखेंगे आधुनिक, देखिए आधुनिक इतिहास का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से भी आपके पेट में है, पेट में किस नाम से, तो ब्रिटिश साम्राज्य का उदय, ठीक है। तो इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दूँ कुछ, देखिए जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये UP SSSC पेट 2023 बैच के नाम, समर्पित बैच के नाम से हमने दोस्तों पेट के लिए क्लासेस चलाई हैं, जा करके देख लीजिएगा, ठीक। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको चलाया है। एक बार जाइए इस प्लेलिस्ट में, आपको बहुत अच्छे सारी वीडियो लगी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि हमारा एक बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए, सफलता 2.0। अगर आप चाहते हैं दोस्तों वास्तव में सफलता लेना जूनियर असिस्टेंट में, तो जो भी आपके दोस्तों पहले 3831 पद थे, आप 5520 के आसपास हो गए ना, तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। सब कुछ दोस्तों बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है इस पर, इस बैच में बहुत सी चीज़ें हो भी चुकी हैं दोस्तों। आपको बता दें हिंदी, ठीक है, UP स्पेशल और कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, मात्र ₹399 में। देखिए जितना आप लेट करेंगे उतना लेट होते जाएंगे, तो जुड़ सकते हैं। जिसमें आपको बता दें मैं खुद दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हूँ, संजीव सर जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं, जो कि आपको क्लासेस देने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़ सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी दोस्तों, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक समर्पण बैच है, जिसमें आपको साइंस की जो प्रॉब्लम है बच्चों को, ठीक है, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, तीनों के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता दें, इस बैच में आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाई नहीं जाएगी, बाकी सब कुछ दोस्त ₹399 में ये भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ड्रीम बैच है पुलिस के लिए, ठीक है। तो जाइए जुड़िए, जैसा आप चाहते हैं वैसा करिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि आपके पेट के लिए मैं क्लासेस चला रहा हूँ, ठीक है, एक एक क्लासेस हमने करा दी हैं। तो देखिए भारतीय इतिहास में हमने क्या क्या देख लिया, देखिए पहले क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखा, दूसरे में वैदिक संस्कृति, तीसरे में हमने बौद्ध धर्म, चौथे में दोस्तों जैन धर्म, पाँचवें में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा, छठे में हमने गुप्त वंश के बारे में देखा, सातवें में हमने दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में देखा, और आठवीं क्लास में हमने राजपूत के बारे में देखा, ठीक है, राजपूत काल, और नौवीं क्लास में सल्तनत काल देखा, दसवीं में हमने देखा दोस्तों मुगल काल, ग्यारहवीं मराठा देखा। अब दोस्तों हमारी बारहवीं क्लास है, और बारहवीं क्लास में हम क्या क्या देखेंगे तो आपको बता दें कि बारहवीं क्लास में दोस्तों हम ब्रिटिश राज का अभ्युदय देख लेंगे, ठीक है, और दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी में देख लेंगे, और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी कि सभी के सभी चीज़ें, ये दोनों क्लासेस हम एक ही क्लास में आज कवर कर देंगे, और आपको बता दें ये पूरा का पूरा हिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप कमेंट करिएगा कि हम क्या शुरू करें, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर दें या फिर दोस्तों हम आंदोलन शुरू कर दें, वो आप जैसा कहते हैं वो हम वैसा कर देंगे, ठीक। इसके अलावा आपको पता है स्टैटिक जीके भी लगभग लगभग दोस्तों समाप्त हो चुका है, 5 से 6 भाग उसमें बचे हैं, और भूगोल भी हमारे संजीव सर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कमेंट करिएगा क्या आप इसके बाद क्या पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए साथियों आज हम देखने वाले हैं, आज हमारा नया टॉपिक क्या है, आधुनिक इतिहास। देखिए हम कहीं ना कहीं दोस्तों इतिहास 3 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आज हम आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आधुनिक इतिहास हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आधुनिक इतिहास में क्या होता है दोस्तों कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ही दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का उदय इसमें इसी अंतर्गत आता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आपसे कई बार पूछ सकता है कब कौन सी सबसे पहले कौन भारत में आए, कौन से यूरोपीय लोग सबसे पहले आए, कौन सी यूरोपीय कंपनी सबसे पहले भारत में आई। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले कौन आते, पुर्तगाली, याद रखिएगा, सबसे पहले भारत में कौन आते, पुर्तगाली आते 1498 ईस्वी में, आपको बताओ वास्को डी गामा, ठीक है, सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, ठीक है, याद रखें। फिर उसके बाद दोस्तों डच आएंगे, क्या आएंगे दोस्तों, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, ठीक है, क्या, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज। देखिए अंग्रेज तीसरे नंबर पर आते हैं, याद रखिएगा, पहले पुत्र,
ठीक है, पुत्र से पुर्तगाली, फिर डैड से डच, फिर अंग्रेज आते हैं, ठीक है, फिर दोस्तों देन अभी फ्रांसीसी, याद रख लेंगे किसी तरीके से, याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1498 में दोस्तों पुर्तगाली, डच 1602 में, अंग्रेज 1608 में, देखिए इनकी कंपनी है ना 1608 में दोस्तों आते हैं, ठीक है, कंपनी तो इनकी 1600 में लग जाती है ना, पता होगा, ठीक है। चलिए 1616 है, डेट को लेकर के आप कन्फ्यूजन हो ना, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इस समय क्या होता है, वो अंग्रेज आता है पहला, है ना, हॉकिंस का नाम था ना, हॉकिंस, ठीक है। और फिर डेन आते हैं दोस्तों 1616 में, और आते हैं 1667 में फ्रांसीसी। तो हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, बहुत ही शानदार सेशन ये होने वाला है। चलिए तो पहला हमारा कौन है, तो देखिए पुर्तगाली, क्या साथियों, पुर्तगाली आते हैं पहले। तो देखिए पुर्तगालियों के बारे में बात करूं तो देखिए यूरोपियन, ठीक है यार, के पुर्तगाली के बारे में, तो यूरोपियन देशों में सर्वप्रथम दोस्तों पुर्तगाली भारत आया, आपसे पूछ सकता है, एक क्रम भी लगाने भी दे सकता है भैया कि सबसे पहले कौन आया, तो आप बताइएगा कि पहले क्या पुत्र आया फिर डैडी, ठीक है, पुत्र डैडी मतलब डच, फिर अंग्रेज आ गए, फिर दोस्तों डैडी यानी डेन आ गया, फिर फ्रांसीसी, ठीक है। तो ये याद कैसे भी करिएगा, देखिए आपको याद करना है, एक क्रम में लगाने को पूछता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और ये डेट भी कभी बार पूछ लेता था कि वास्को डी गामा का बाद 1498 ईस्वी, वो चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना, पुर्तगाली, तो आपसे पूछेगा कि यूरोपीय देशों में से सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली आए, ठीक है, आपको बता दीजिएगा, पुर्तगाली की मैं बात करता हूँ, तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा, गुजराती व्यापारी, ठीक है, अब्दुल मजीद के सहयोग से उत्तरमांसा अंतरी अंतरी, है ना, यानी कि केप, जिसको क्या बोलते हैं, केप ऑफ गॉड होप के चक्कर काटते हुए दोस्तों कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, जहां उसका स्वागत हिंदू राजा जमोरिन ने किया। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेता है कि जो आपका वास्को डी गामा था उसका स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने, ठीक है, कहाँ उतरा, तो कालीकट बंदरगाह, देखिए जो मैं चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको आप याद रखिएगा, ठीक है। कब आया, तो 1498 में, ठीक है, कौन आया, वास्को डी गामा आया, क्या था ये, कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है कि भैया 1498 ईस्वी में सबसे पहले अगर कोई पुर्तगाली आया तो वो वास्को डी गामा था, कहाँ आया, कालीकट बंदरगाह में, किसने इसका स्वागत किया, वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया, जमोरिन ने, ठीक है। ये चीज़ आपको शानदार तरीके से याद रखनी। अब देखिए आया क्या करने, तो मैं आपको बता दूं, देखिए लोग बोलते हैं कि भारत खोज, भैया भारत खोज नहीं थी, भारत पहले से था, ये खुद भूलता हुआ यहाँ आ गया, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भारत खोज नहीं किसने, ठीक है। चलिए वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस गया, देखिए किस जहाज से आता है, हेक्टर, ठीक है, जहाज का नाम कहता है हेक्टर, इसी जहाज से क्या करता है, भारत से काली मिर्च लेता है। दोस्तों आपको पता है ना कि काली मिर्च दोस्तों आपके केरल राज्य में दोस्तों मसालों बगीचा कहते हैं ना, तो आपको पता होगा, भैया ये क्या करता है, वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च लेकर के अपने हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस चला था, और दोस्तों उससे बेचने के बाद ना 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। भैया आपको बता दें कि अपना पूरा खर्चा निकाल देता है, आपको बता दें कि यहाँ से मसाला खरीद के लिया था वहाँ बेचता, दोस्तों उसको 60 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उसकी तो होश उड़ जाते हैं, ठीक है। आपको पता ना भारत बहुत बड़ा दोस्तों, यहाँ पे व्यापारिक चीज़ें बहुत बड़ी थी ना, इसीलिए दोस्तों सारे लोग व्यापार करने यहीं आते थे, कच्चा माल बहुत अच्छे से मिल जाता था, ठीक है। तो भैया ये तो वैसे जानने के लिए आपको, मगर हेक्टर जहाज, हेक्टर नामक जहाज से ही आया था, ठीक है। अब आपको बता दें, देखिए अब सुनिएगा आगे, अब होता क्या, 1498 में क्या आया, वास्को डी गामा आया, ठीक है, पहला पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा आया, है ना, कहाँ आया, कालीकट बंदरगाह पे, किसने स्वागत किया, जमोरिन ने, ठीक, इतना समझ गए, ठीक है। अब देखिए समझिए, फिर 1500 ईस्वी में कौन आता, तो पेड्रो अल्वारेज केब्राल, देखिए दूसरा पुर्तगाली कौन था, पेड्रो अल्वारेज केब्राल भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था, याद रखेंगे। अब याद रखेंगे कि 1503 ईस्वी में दोस्तों पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, याद रखेंगे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। पहला वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया, जमोरिन ने स्वागत किया, कालीकट बंदरगाह उतरा, और इसकी इनकी पहली फैक्ट्री दोस्तों पुर्तगालियों की कब खोली गई, तो 1503 में। अब दोस्तों 1505 में कन्नूर में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री खोल दी, देखिए 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में फैक्ट्री खोली, फिर 1505 में यानी 2 साल बाद कन्नूर में भी इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोल दी, यानी 2 फैक्ट्री इन्होंने 1505 तक स्थापित कर लिए, किसने, पुर्तगालियों ने, कहाँ दूसरी, देखिए पहली कहाँ पे, तो कोचीन में, दूसरी कन्नूर में, ठीक है, इतना समझ में आ रहा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको हमने बताया कि 1505 में इन्होंने फैक्ट्री खोली, उसके बाद देखिए इनका इतना बड़ा दबदबा हो गया कि यहाँ पर दोस्तों वायस राय बना के भेजने लगे, जैसे क्या होता है, अंग्रेजों ने वायस राय भेजे, फिर है ना, फिर
फिर उनको क्या क्या नाम दे दिए वो चीज़ें, पहले गवर्नर था, फिर जनरल गवर्नर, फिर वायस राय, फिर है ना इस तरीके से। तो उस प्रकार से दोस्तों पुर्तगालियों ने भी किया, क्या किया तो समझिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत में पुर्तगाली वायरस क्या होते हैं। तो आपको बता दें पहला व्यक्ति होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आपको बता दें कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा दोस्तों ये पुर्तगाली, देखिए समझिएगा, पुर्तगाली वायसराय था, ठीक है। आपको बता दें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर के 1509 तक दोस्तों क्या बनता है, वायरस, वायरस नहीं वायसराय, ठीक है समझिएगा, सॉरी है ना। देखिए यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। आपसे पूछेगा कि भारत का पहला पुर्तगाली वायरस कौन सा था, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायरस कौन बना था, वायरस सॉरी वायसराय सॉरी मिस्टेक है ना, वायस राय कौन था, तो आप बताइएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। और दोस्तों इसकी एक नीति बहुत प्रसिद्ध थी, कौन सी नीति थी तो आप बता दें कि इसकी नीति थी दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी, बहुत ही खतरनाक नीति थी दोस्तों, आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। इसकी यह नीति दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम शांत जल की नीति के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में दोस्तों शांत जल की नीति कहते हैं हिंदी में, और ऐसे दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी दोस्तों किसने लागू की, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। कौन था प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन सा था, तो दोस्तों आप बताइएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखिए एक युद्ध होता है चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में, किसके बीच, तो यार रखिएगा यह गुजरात के राजा महमूद बेगड़ा से होता दोस्तों, ठीक है, महमूद बेगड़ा से पराजित हुआ, कौन, तो दोस्तों यही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आप बता दें कि 1509 ईस्वी में इसने महमूद बेगड़ा मिस्र व तुर्की के जहाजी बेड़े को पराजित कर, देखे पहले पहले हारता है, फिर दोस्तों क्या होता है महमूद बेगड़ा को और मिस्र के और तुर्की के जहाजी बेड़ो दोस्तों ये पराजित भी कर देता, देखिए खतरनाक हो गया था ना, शांत जल की नीति, ठीक है याद रखेगा। तो चोल का ये याद रखेगा है ना, गुजरात का राजा महमूद बेगड़ा से दोस्तों ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा करता, ठीक है। अब दूसरा दोस्तों वायसराय आएगा, ठीक है, क्या आएगा दूसरा वायसराय आएगा, कौन, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, ठीक है अल्बुकर्क, ठीक है, क्या फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क दोस्तों 1505 से 1515 तक रहता, कौन, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। आपको बता दें कि आपसे पूछेगा पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन सा था, दोस्तों यही था, देखिए पहला दोस्तों अल्मीडा था, वो दोस्तों प्रथम वायसराय था, उसके अलावा उसने शांत जल की नीति अपनाई थी ना, ये याद रखना, शांत जल की नीति किसकी है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की ना। अब दूसरे दोस्तों आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, ठीक है, आप बता दें ये पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक थे, और इसने दोस्तों कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया। देखिए पहले कोचीन दोस्तों क्या होती है, पहली फैक्ट्री खुल जाती है 15 दिन में, फिर दोस्तों इसको मुख्यालय कौन बनाता है, तो दोस्तों अल्बुकर्क क्या करता, मुख्यालय बना देता, ठीक है। और याद रखेंगे कि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। आपको पता होगा ना कि 1510 में क्या करता है कि बीजापुर के सुल्तान होते हैं दोस्तों यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा जीत देता। आपको पता है गोवा में दोस्तों इनका अधिकार था, और सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली भारत में आते हैं और सबसे बाद में पुर्तगाली आते हैं ना, क्योंकि गोवा दोस्तों बहुत बाद में 61 के आसपास दोस्तों आजाद होता है ना, समझ गए। तो गोवा किसने जीता था, तो अल्बुकर्क ने, किससे, तो यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से। चलिए अब आपको बता दें कि अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, देखो कृष्णदेव राय दोस्तों बहुत फेमस थे, आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा फेमस थे कृष्णदेव राय, कहाँ के थे, विजयनगर, ठीक है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मिलकर दोस्तों भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त कर लेता है, यानी कि कृष्णदेव राय दोस्तों इसको एक किला बनाने का आदेश देते, कहाँ पर, भटकल नामक स्थान पर, ठीक, किसको, अल्बुकर्क को दोस्तों, जो दूसरा वायस राय था उसको दोस्तों क्या करते हैं, एक किला बनाने का वो आदेश प्राप्त कर लेता है, किससे, तो कृष्णदेव राय से, ठीक है, तो ये कृष्णदेव राय इसके समकालीन थे, ठीक है। चलिए और याद रखेंगे कि पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए इसने प्रेरित किया, कहा कि भैया यहाँ पे क्या संबंध बनाइए, ठीक है, और आपको पता है कि भारतीय स्त्रियों से अगर शादी कर लोगे तो भैया दामाद की तरह आपको मानेंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे, ठीक है। देखिए आपको पता भारतीय परंपरा, मतलब अगर लड़की जिसको भेजते हैं तो दामाद की फुल इज्जत होती ना, फुल तरीके से, तो उसी को देखते हुए पुर्तगालियों ने कहा यहाँ की लड़कियों से आप शादी करिए, जिससे क्या होगा, ये लोग इज्जत करेंगे कि जीजा है ना, वही जीजे है, समझेगा, ठीक है, तो इज्जत फुल मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसने थोड़ा सा प्रेशर किया कि भैया आप क्या करिए, भारतीयों से शादी करिए ना, भारतीय लड़कियों से विवाह करिए, ठीक है। आपको बता दें 1515 में गोवा में प्रथम चर्च सेंट जेवियर चर्च का निर्माण किया दोस्तों, ये बहुत फेमस चर्च है, ठीक है, यार कहेगा कि गोवा में पहला चर्च सेंट जेवियर चर्च का निर्माण करवाया दोस्तों किसने,
तो ये चीज़ें आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों तीसरे वायसराय आ गए, ठीक है, नूनो डी कुन्हा, है ना, 1529 से 1538 था दोस्तों। ये जो फेमस है उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा फेमस है, क्यों? क्योंकि इन्होंने दोस्तों गोवा को राजधानी बना ली ना, पुर्तगालियों को राजधानी गोवा बना दिया, ठीक है, याद रखिएगा, गोवा को दोस्तों इन्होंने राजधानी बना दिया। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, देखिए समझिएगा, जो दोस्तों ये थे इन्होंने क्या किया था, कोचीन को मुख्यालय बनाया था, ठीक है, यानी कि अल्बुकर ने क्या किया था, कोचीन को मुख्यालय बनाया था ना। अब दोस्तों और गोवा को जीता था, है ना, अल्बुकर ने जीता था ना यूसुफ आदिल शाह से। अब दोस्तों इसने क्या किया, जो गोवा जीता हुआ था नूनो डी कुन्हा ने, इसने दोस्तों इसको राजधानी बना दी पुर्तगालियों, ठीक है। और याद रखेगा कि कुन्हा ने 1534 में कृष्णा बेसिन पर तथा 1535 में द्वीप पर दोस्तों अधिकार कर लिया ना, मालदीव, सॉरी, जो दमन द्वीप है ना उसमें द्वीप पर दोस्तों इसने अधिकार कर लिया। और याद रखिएगा एक कार्टेज था दोस्तों, ये सिस्टम था दोस्तों कार्टेज आर्मेडा सिस्टम, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, नूनो डी कुन्हा ना, तो कार्टेज आर्मेडा सिस्टम, यानी ये क्या होता था कि एक प्रकार का यह परमिट होता था जो किसी भी जहाज को भारत आने जाने के लिए पुर्तगालियों देना पड़ता था। ये दोस्तों शुरू कर दिया नूनो डी कुन्हा ने। ये क्या होता था दोस्तों, मान ले देखिए इनका भारत पे कब्जा हो गया था, अब दोस्तों भारत में जो भी जहाज आते थे ना उसको एक दोस्तों कर देना होता था, जिसको क्या बोलते थे, कार्टेज आर्मेडा सिस्टम बोलते थे, ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा लिया जाने वाला एक कर समझ लीजिएगा, कि कोई भी जहाज इसके अंदर आएगी तो। अब दोस्तों भारत को पुर्तगालियों की देन क्या कहती, पुर्तगालियों ने क्या क्या दिया इसके बारे में बात करूँ दोस्तों, तंबाकू इनकी इन्हीं देन है, यार कहेगा कभी बार क्वेश्चन पूछाएगा, ठीक है, आलू इनकी देन है, मक्का इनकी देन है दोस्तों, और प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों ये आपका पूछा था ना, प्रिंटिंग प्रेस और ये तंबाकू, दो चीज़ें आपसे पूछ ली आती हैं कभी कभार, कि पुर्तगालियों द्वारा दिया गया ना तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस, ये दोस्तों पूछी जाती छपाई, ठीक है। अन्य चीज़ों की बात करें तो 1550 में दोस्तों गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, याद होगा। और 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भी भारत में आए थे, ये चीज़ भी याद रख लेना। तो भैया पुर्तगाली खत्म हो गए, ठीक है, पुर्तगाली खत्म मतलब इनका इतिहास समाप्त हो गया, जो जो भी चीज़ें हमें पढ़नी थी वो इनके बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद है डच, वैसे आप सोच रहे हो दोस्तों डच थे कहाँ के, डच कहाँ के निवासी थे, डच दोस्तों हॉलैंड या नीदरलैंड के थे, ठीक है, याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर डच आते हैं, पहले पुर्तगाली फिर डच। डच दोस्तों नीदरलैंड या फिर दोस्तों हॉलैंड के निवासी थे। आपको बता दें 1596 में प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा द्वीप पे आया था, समझेगा, पहले कहाँ, तो सुमात्रा द्वीप पे, ठीक है। और याद रखेंगे कि 1602 ईस्वी में इन्होंने एक फैक्ट्री की स्थापना की, कंपनी डाल दी, क्या नाम था, वेरी निगडे, ठीक है, उस्टिन डिसे कंपनी, जिसको VOC के नाम से जानते दोस्तों, यानी 1602 ईस्वी में इनकी एक कंपनी थी VOC, जिसका फुल नेम ये आप याद रखिएगा। और यही क्वेश्चन आपके UP SSSC वीडियो री एग्जाम 2023 अभी लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन, किसकी थी, तो डचों की पहली कंपनी 1602 ईस्वी में कौन सी थी, तो दोस्तों VOC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, थोड़ा ऊट पटांग है, ठीक है। किसने खोल दी, डचों ने 1602 में। आपको बता दें 1605 ईस्वी में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मुसलीपट्टनम में कर दी गई, ठीक है। और उसके बाद 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके और पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना कर दी तथा इसे अपना मुख्यालय बना लिया, किसको, पुलिकट में दोस्तों एक फैक्ट्री स्थापना की और पुलिकट को अपना एक मुख्यालय बना लिया, ठीक है। अब दोस्तों डचों द्वारा जीते गए द्वीप की बात करते हैं, जकार्ता इन्होंने जीता 1616 में, फिर मलक्का द्वीप जीता दोस्तों कब, 1641 में, सीलोन दोस्तों जिसको श्रीलंका कहते हैं 1658 में जीत गया, ठीक है। और डचों की व्यापारिक कोठियां कहाँ कहाँ थी दोस्तों, पीपली हो गया, कासिम बाजार हो गया, बालासोर हो गया, पटना हो गया, नागपट्टनम आदि में इनकी व्यापारिक कोठियां खोली गई, ठीक है। आप बता दें कि औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों से 3.5% वार्षिक चुंगी पर क्या कर दिया, चुंगी पर दोस्तों बिहार बंगाल उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया, इनसे कहा दोस्तों अंग्रेज औरंगजेब ने क्या बोला कि भैया आप क्या करिए 3.5% चुंगी हमको दीजिए और यहाँ पे व्यापार करिए, ठीक है, कहाँ कहाँ पे, बंगाल बिहार उड़ीसा। याद रखिएगा कि 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाएगा, पहले दोस्तों कहाँ था, पुलिकट को दोस्तों गवर्नर मुख्यालय बनाएगा, फिर उसके बाद नागपट्टनम को दोस्तों मुख्यालय बना लेगा कब, 1690 में। अब दोस्तों एक याद रखेंगे वेदरा का युद्ध, वेदरा या फिर बंगाल का युद्ध दोस्तों 1759 में, किसके किसके बीच, तो डच और अंग्रेजों के बीच। आपको बता दें अंग्रेजों द्वारा इन्हें पराजित कर जाता है, यानी कि डच और अंग्रेजों के बीच दोस्तों एक युद्ध होता है वेदरा या फिर बंगाल का युद्ध 1759 में। यहाँ होता क्या कि अंग्रेजों द्वारा इन्हें पराजित कर जाता है और इसी युद्ध से दोस्तों डचों का पतन हो जाता है, डच मतलब यहाँ से समाप्त हो जाते हैं, तो डच का अंत हो गया, अंग्रेजों ने हराया, डच का अंत हो गया।
और इसके बाद कौन आ जाएंगे, फिर अंग्रेज आ जाएंगे, ठीक है। और आप बता इनकी देन क्या है दोस्तों डचों की, तो भारत में वस्त्र निर्यात करने का श्रेय दोस्तों इन्हीं को जाता, किसको, डचों ने भारत में वस्त्र निर्यात करने का श्रेय दोस्तों इन्हीं को जाता डचों को, ठीक है। चलिए अब तीसरे नंबर पर आ गए ब्रिटिश या फिर अंग्रेज, तो अंग्रेजों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या, ब्रिटिश जिनको हम अंग्रेज बोलते हैं, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। अब देखिए 1599 में, देखिए 31 दिसंबर है ना 1599, इसको 1600 ईस्वी मानते हैं, ठीक है, अधिकतर आपको 1600 ईस्वी मिलेगी ना, समझिएगा। देखिए क्या है 1599 क्या होता है दोस्तों, एक कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम होता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज, है ना, ये कंपनी का नाम था कब 1599 में ना, समझिएगा 1599 में एक कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये नाम था दोस्तों कंपनी का, ठीक है। अब दोस्तों यही कंपनी आगे चल के किस नाम जानती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, समझिएगा, यही कंपनी आगे चल के किस नाम से प्रसिद्ध हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी, और आपको बता दें जिससे दोस्तों महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दोस्तों 15 वर्षों का अधिकार मिला था कि जाइए 15 साल तक आप व्यापार करिए, ठीक है, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को ना, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को, ठीक है। 1600 इसकी स्थापना होती है दिसंबर 1600 में, ठीक है, और इसे 1500 वर्षों का अधिकार मिलता है व्यापार करने, किसके द्वारा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं अंग्रेजों की, तो एक नाम याद रखें कैप्टन हॉकिंस, है ना, हॉकिंस का कुकर आता है दोस्तों, कुकर आपने सुना होगा ना, याद रखिएगा कुकुर जरा पहले आ गया ना, तो भारत में जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया पहला दोस्तों अंग्रेज कौन सा था, भारत में सबसे पहला अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस, क्या नाम था, कैप्टन हॉकिंस दोस्तों, कब, 1608 ईस्वी में। देखिए यहां से क्या क्या चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है, देखिए भारत में जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया पहला अंग्रेज कौन सा, कैप्टन हॉकिंस, कब, 1608 ईस्वी में, कहाँ आता है, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आता है, हेक्टर नामक जहाज, देखिए हेक्टर नामक जहाज से दोस्तों वो गया था ना वास्को डी गामा, ठीक है। और आपको बता दें कि जहांगीर दोस्तों है कैप्टन हॉकिंस, देखिए ये दोस्तों पता क्या है, ये सब कुछ बोलता था, हिंदी बोल रहा था अच्छी सी, तो जहांगीर से बहुत प्रसन्न हुआ और इसको फिरंगी खां की उपाधि दे दी, ठीक है, इंग्लिश खां, फिरंगी खां ऐसी उपाधि दे दी। और दोस्तों आपको बता दें कि यही दोस्तों शुरू होता है इनका कार्यक्रम, और अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री दोस्तों कहाँ खोलते हैं, मसूलीपट्टनम में, ठीक है, पहली अस्थायी 1611 में। इसके बाद दोस्तों जहांगीर द्वारा सूरत में स्थायी फैक्ट्री की सहमति द्वारा दोस्तों सूरत में 1603 में एक फैक्ट्री खोल दी जाती है, मतलब जहांगीर से अनुमति लेकर के सूरत में दोस्तों एक स्थायी फैक्ट्री खोल दी जाती है, ठीक है। आपको बता दें कि 1611 ईस्वी में एक और आता है कैप्टन, है ना, मिल्टन, है ना, कि जहांगीर से मुलाकात होती है। उसके बाद दोस्तों 1615 में सर टॉमस रो आते हैं जहांगीर दरबार में आते हैं, देखिए जहांगीर दरबार में तीन आ चुके हैं, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन, है ना, मिडिल्टन, और दोस्तों सर टॉमस रो, ठीक है, यार क्योंकि टॉमस रो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरे और अच्छी बता दें कि औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। आपसे क्वेश्चन आपके UP SSC वीडियो एग्जाम 2023 में पूछा गया था कि किस अंग्रेज शासक ने, सॉरी किस मतलब कि मुगल शासक ने दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में फ्री शासन मतलब फ्री व्यापार करने की अनुमति दी थी, तो औरंगजेब ने, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, इसके अनुसार 500 पगोड़ा वार्षिक देकर के व्यापार करने की अनुमति दे दी। देखिए बहुत ही इनको मजा आ गया इस चीज़ सुनकर, क्यों, क्योंकि देखिए गोलकुंडा के सुल्तान थे, अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया कि भैया आप क्या करिए कि 500 पगोड़ा हमको दीजिए, पगोड़ा दोस्तों मुद्रा टाइप है, ठीक है, 500 पगोड़ा वार्षिक देकर के आप व्यापार करिए, ठीक है, हर साल हमको 500 पगोड़ा दीजिए आप, ठीक है, तो राजी हो गए अंग्रेज। अब होता क्या है कि 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया, पट्टे मतलब आप किराए पर समझ सकते हैं ना, और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनाई, ठीक है, किसने, फ्रांसिस डे नामक अधिकारी से चंद, है ना, अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से दोस्तों मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहाँ पर एक किलेबंद कोठी बनाई, मतलब किलाबंद कर दिया, है ना, समझिएगा। अब उसके बाद दोस्तों 1661 की बात करते हैं, तो 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, किससे, समझिएगा, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, समझिएगा, चार्ल्स द्वितीय की शादी किससे होती है, पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होती है, किससे,
कैथरीन से होती है। आपको पता है कि दहेज चलता है, ठीक है। और पुर्तगालियों के द्वारा दोस्तों चार्ल्स को, यानी जीजा थे है ना, चार्ल्स कौन थे दोस्तों, उनके दामाद हो गए और दामाद दहेज देना पड़ेगा दोस्तों। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, बम्बई दोस्तों दहेज में दे दिया, ठीक है। लीजिए भैया बम्बई ले जाइए ना, जिसपे आज रहते हैं 67 द्वीप पे ना, 67 द्वीप पे ना बम्बई, तो याद रखेगा बम्बई को दहेज में दे दिया था। किसने दिया था, पुर्तगालियों ने। देखिए ये पुर्तगाली कर लीजिएगा, पुर्तगालियों ने दोस्तों किसको, अंग्रेजों को दहेज में दे दिया क्या, बम्बई, कहा बम्बई ले जाइए भैया, ठीक है। समझ गए, क्यों, क्योंकि दोस्तों पुर्तगालियों की राजकुमारी शादी हुई थी किससे, दूल्हा कौन था, तो चार्ल्स द्वितीय थे दोस्तों, है ना। तो लड़के को दोस्तों दहेज देना था, तो दहेज में क्या दे दिया, बम्बई ही दे दिया, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें, याद रखिएगा। अब देखिए 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय क्या करे, बम्बई खाएगा थोड़ी ना, तो आपको याद रखना है कि वो भी समझदार, जैसे गाड़ी अभी मिलती है दहेज में तो क्या करते हैं, उसको चलाते हैं, ठीक है। और जो समझदार होंगे वो किराए पर उठा देंगे, पैसे कमाएंगे, है ना। वैसा दोस्तों चार्ल्स द्वितीय ने सोचा, क्या सोचा कि भैया हमें दहेज मिली मुंबई, अब इसका हम करेंगे क्या, चलिए कुछ इससे पैसा कमाते। क्या किया उसने, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दोस्तों कंपनी को दे दिया कि भैया हमें 10 पाउंड वार्षिक चाहिए, आप इसको कंपनी ले लीजिए, इसमें काम करिए, कुछ भी करिए ना। समझ गए। अब देखिए नोट करके लिख लीजिएगा कि बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ऑंगियार 1669 से लेकर के 1677 तक बम्बई का वास्तविक संस्थापक माना था। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन सा है, तो गेराल्ड ऑंगियार, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और याद रखें, कलकत्ता की स्थापना की बात कर लेते हैं, कलकत्ता के बारे में जानते हैं। तो कलकत्ता के बारे में जब हम बात करेंगे दोस्तों, एक नाम याद रखेंगे कि 1698 में जॉब चरनाक, क्या नाम है, जॉब चरनाक। 1698 ईस्वी में जॉब चरनाक ने सुतानाती और कालीकाता और गोविंदपुर, तीन गांव याद रखेंगे, सुतानाती कालीकाता गोविंदपुर, कितने, तीन नाम, सुतानाती कालीकाता, है ना, कालीकाता नाम पे कलकत्ता पड़ा, ठीक है, सुतानाती कालीकाता गोविंदपुर, इन तीनों गांव को मिलाकर दोस्तों कलकत्ता नगर की स्थापना कर दी। किसने की, जॉब चरनाक को हम कलकत्ता का संस्थापक बोलते हैं ना। याद रखिएगा कि जॉब चरनाक ने क्या किया कि तीन गांव मिला दे, सुतानाती कालीकाता गोविंदपुर, और इनको मिलाकर के कलकत्ता नामक नाम दे दिया दोस्तों 1698 ईस्वी ना। समझिए अब 1700 में क्या होता है कि 1700 ईस्वी में इसे प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया गया दोस्तों। इसे प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया, कब, 1700 में, जो कि 1774 से लेकर के 1911 तक दोस्तों ब्रिटिश भारत की राजधानी रही थी। आपको बताऊंगा 1911 में दोस्तों इसे दोस्तों यहां से राजधानी उठा के दोस्तों दिल्ली कर जाते ना, तब तक दोस्तों यही कलकत्ता क्या होती है, राजधानी जाती है ब्रिटिशों की, ठीक, 74 से लेकर के 1911 तक, ठीक है। चलिए और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्रथम प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर बने, ठीक है, याद रखेंगे। और एक चीज याद रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा था है कि 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियर थे ना, क्या नाम था, फर्रुख सियर दोस्तों, ये बीमार हो जाते हैं और इनका इलाज कर देता कौन, हैमिल्टन नामक एक अंग्रेज होता है। समझिएगा 1717 में फर्रुख सियर बीमार थे, एक अंग्रेज आता है हैमिल्टन, ये दोस्तों इनका इलाज कर देता, जिससे दोस्तों खुश होकर के 1717 में दोस्तों एक शाही फरमान जारी करते। शाही फरमान कहते, शाही फरमान दोस्तों क्या बोलते हैं, तो आपको बता दें कि ब्रिटिश इतिहासकार इस शाही फरमान को कहते हैं, ऑर्सो ने कहा कि कंपनी का मैग्ना कार्टा, मतलब कंपनी को बहुत सारे अधिकार देते, इतना खुशी होते कि भैया तुमने हमें ठीक कर दिया, बहुत खुशी होते फर्रुख सियर, और दोस्तों इनको गिफ्ट में दे देते हैं क्या, कि कंपनी को मैग्ना कार्टा दोस्तों एक अधिकार देते हैं, भैया आप व्यापार करने में दोस्तों बहुत ही सरलता हो जाती है ना, एक फरमानी शाही फरमान जारी करते। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है, कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको होते हैं, तो दोस्तों जो फर्रुख सियर द्वारा दिया गया फरमान को, ठीक है, शाही फरमान को हम कंपनी का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, कब, 1717 ईस्वी में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो आप बता दें श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों, ये अलग से नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये UP SSC वीडियो हो जाता है, इसमें पूछा गया, क्या पूछा गया, कि श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और कार्नवलिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों, है ना। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी वो किसी के बीच हुई, तो टीपू सुल्तान और कार्नवलिस, और दोस्तों यही कार्नवलिस जो है ना, इसकी मृत्यु दोस्तों एकमात्र ये अंग्रेज था जिसकी मृत्यु दोस्तों भारत में हुई, और कब्र भी यहीं पर है, कब्र कहाँ है, गाजीपुर में, ठीक है। तो याद रखेंगे कार्नवलिस का मकबरा दोस्तों कहाँ है, गाजीपुर में, ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेंगे। तो दोस्तों ये आपके UP SSC वीडियो में पूछा भी गया, तो अंग्रेज भी समाप्त हो गए दोस्तों, ठीक है, समझ गए ना। अब दोस्तों अंग्रेजी बात हम डेनिस देखते हैं, डेनिस है ना, डेनिस की बात करते हैं दोस्तों, डेन से आए थे, कहाँ से, डेन व्यापारी 1616 ईस्वी में दोस्तों भारत आए, ठीक है, चौथे नंबर पे, है ना, चौथे नंबर पे डेन आ गए, ठीक है। अब इनके द्वारा 1620 ईस्वी में तंजौर किले के त्रावणकोर में प्रथम फैक्ट्री खोली गई, याद रखेंगे तंजौर
जिले के त्रावणकोर में प्रथम फैक्ट्री खोली गई। आप बता दें कि दोस्तों 1676 में बंगाल के सेरामपुर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई इनके द्वारा। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। फिर 1731 में एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई इसके द्वारा। देखिए समझिएगा कि डेनिश द्वारा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती कब, 1731 में। और आपको बता दें कि 1745 में इन्होंने सभी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनी को बेचकर दोस्तों ये सभी चले जाते हैं। मतलब कि क्या हुआ कि दोस्तों डेनिश जो आए इनकी जो भी कंपनियां थी ना 1745 सभी कंपनियों उन्होंने बेच दिया किसके हाथ, अंग्रेजों के हाथ बेचकर दोस्तों ये फिर से डेनिश चले गए। ठीक है समझ गए। चलिए इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। क्या आते हैं, फ्रांसीसी। दोस्तों फ्रांसीसी की बात करते हैं तो लुई 14वें, समझिएगा फ्रांसीसी दोस्तों सबसे पांचवें नंबर दोस्तों फ्रांसीसी आते हैं, ये अंतिम यूरोपियन थे। ठीक है अब दोस्तों फ्रांसीसी आते हैं, कौन आते हैं तो लुई 14वें के मंत्री, क्या नाम था उसका, कॉलबर्ट, समझिएगा लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा कंपनी का नाम था क्या, क्या था दोस्तों, द इंडस ओरिएंटलिस की स्थापना की गई। कंपनी का नाम क्या था, द इंडस ओरिएंटलिस। ठीक है 14वें लुई 14वें दोस्तों मंत्री कौन था, कॉलबर्ट द्वारा से ये कंपनी की स्थापना की गई। आपको बता दें कि भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी 1668 में फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में स्थापित की गई, यानी कि फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहाँ स्थापित की गई, सूरत में, समझ गए। चलिए आगे बताते हैं आपको 1673 में, ठीक है 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने है ना वेली कोंडापुरम के सूबेदार शेरखां लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए जिन्हें कालांतर में पौंडिचेरी के नाम से जाना था। दोस्तों याद रखिएगा कि ठीक है फ्रैंको मार्टिन, ठीक है और पौंडिचेरी के संस्थापक भी हम फ्रैंको मार्टिन को ही जानते हैं। ठीक है पौंडिचेरी की स्थापना किसने की, इसके संस्थापक कौन है तो फ्रैंको मार्टिन, ठीक है याद रखेंगे। ठीक है जैसे हम कलकत्ता की स्थापना बताया है ना, मुंबई की स्थापना बताया, उसी प्रकार से पौंडिचेरी की स्थापना किसने की, फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन कौन दोस्तों, फ्रांसीसी था। ठीक है और फ्रांसीसियों द्वारा दोस्तों जीते गए द्वीप की बात कर लेते हैं तो कौन है तो 1721 दोस्तों मॉरिशस जीता, फिर दोस्तों 1725 दोस्तों माहे जीता, फिर 1739 में कराईकल। ठीक है मॉरिशस द्वीप जीता फ्रांसीसियों ने 1721 में, 1725 में माहे, फिर 1739 में कराईकल। ठीक है समझ गए बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है चलिए दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप देखिए कुछ चीज़ें यहाँ समझ लीजिएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है अब दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बैंकिंग हो गया। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है और अंतिम कौन था तो वो चीज़ें आपको दोस्तों पता भी होगा। ठीक है और दोस्तों प्रथम भारतीय वायसराय कौन से थे तो श्री राजगोपालाचारी। हाँ ये सब चीज़ें आपसे आपकी एग्जाम में कई बार पूछ जाते हैं तो इतना आपको समझ में आएगा दोस्तों। ये आपके ब्रिटिश के बारे में मतलब जो भी यूरोपियन का आगमन था दोस्तों इसके बारे में ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ रही होंगी कि ये चीज़ें कैसे किस तरह से कौन कौन किसका आगमन हुआ। ठीक है आई होप आपको समझ में भी आया होगा। चलिए इसके आगे हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है क्योंकि देखिए ये कहीं कभार दोस्तों ये टॉपिक भी पूछ लेते हैं ना तो ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक तो आर्थिक प्रभाव क्या दोस्तों, औद्योगिकरण में। देखिए औद्योगिकरण में क्या प्रभाव पड़े ब्रिटिश के, तो आपको बता दें 1813 में चार्टर अधिनियम के तहत दोस्तों क्या हुआ कि ब्रिटिश नागरिकों के लिए एक तरफा मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई जिससे ब्रिटिश के से दोस्तों सस्ते मशीनों से बने हुए सामानों के साथ दोस्तों भारतीय बाजार में बाढ़ ला दी। आपको बता दें कि 1813 के दोस्तों एक चार्टर एक्ट आता है जिसमें दोस्तों ब्रिटिश के लिए एक तरफा मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दी जिससे क्या हुआ दोस्तों वहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें जो मशीन से बनती थी, अब देखिए मशीन से बनने दोस्तों आसान होता है, थोड़ा बहुत समय कम लगता है और कुछ चीज़ें उसमें फिनिशिंग भी ज़्यादा होती है दोस्तों। उनके आने से ना जो भारतीयों के हथकरघा उद्योग थे ना उनको दोस्तों पूरी तरह से नष्ट हो गए। ठीक है तो औद्योगिकरण दोस्तों भारत का पूरा समाप्त कर दिया। ठीक है दूसरा बात, दूसरी ओर दोस्तों ब्रिटेन से भारत में आयात पर भारी शुल्क लगाएगा, तो ब्रिटेन से जो भारत में आयात होता था उस पर भारी शुल्क लगा देगा। ठीक है और समझिए कि 1820 के बाद यूरोपीय बाजारों में भारतीय निर्यात का लगभग दोस्तों रोक लगा दी गई। मतलब कि रोक क्या लगा दी, उसको लोग पसंद नहीं करते थे भारतीय सामान को। ठीक है क्योंकि दोस्तों हाथ से बनी चीज़ें और मशीन से बनी चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है ना, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय उद्योग दोस्तों बुरी तरीके से प्रभावित हो गया, मतलब बुरी तरीके से बंद हो गया क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों द्वारा आपको पता है यूरोपियों में दोस्तों देखिए
समझिएगा, वहाँ से दोस्तों मशीनों से बने हुए सारी चीज़ें आती थी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सस्ते दामों में दोस्तों, क्योंकि लागत कम आती थी उनमें, ठीक है। तो आप कौन सी चीज़ें पसंद करेंगे ना, तो ये चीज़ें थी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ग्रामीणीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बताते उद्योगों के पतन कारण दोस्तों लोग ग्रामीणीकरण की ओर रुझान कर लिए, जो भी दोस्तों शहर में कमा रहे थे उद्योग के लिए, अब दोस्तों भारतीय उद्योग बचे ही नहीं, है ना। सब भारतीय उद्योग दोस्तों किसने स्थान ले लिया, अंग्रेजों के उद्योगों ने, ना। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर लोग क्या हुआ गाँव की तरफ बढ़ गए, गाँव तक चले आए, जिसमें दोस्तों थोड़ा बहुत खेती करके इस तरीके से अपनी आजीविका कमाने लगे। अब देखिए पारंपरिक आजीविका के नुकसान कारण दोस्तों कई कारीगरों ने अपना पेशा छोड़ दोस्तों गाँव की तरफ रुझान लेके, जिससे अधिकांश कारीगर क्या होगा कृषि पर आधारित हो गए ना भाई। जब उनका काम ही ठप हो गया, अंग्रेजों ने उनका काम ठप कर दिया दोस्तों, क्या हो गया फिर गाँव चले आए, ठीक है। अब कृषि पर दोस्तों क्या काम इनका असर पड़ा, व्यवसायीकरण। तो अब दोस्तों ब्रिटिश नीतियों का एक अन्य प्रमुख आर्थिक प्रभाव दोस्तों कॉफ़ी, नील, कपास, जूट और अफीम जैसी बड़ी संख्या में वाणिज्यिक फसलों की शुरुआत। आपको बताते इनकी जब शुरुआत कर दी ना, देखिए ब्रिटिश को इनसे ज़्यादा लाभ होता था, कॉफ़ी हो गया, नील खेती दोस्तों आपको पता नील विद्रोह बहुत सारे हुए ना, कपास की खेती करना क्योंकि देखो कच्चा माल चाहिए इनको कपड़े बनाने के, तो कच्चा माल दोस्तों यहीं से जाएगा, ठीक है। जूट की खेती करवाना, अफीम की खेती करवाना, इनसे दोस्तों क्या हुआ कि ये लोग वाणिज्यिक खेती करवाते थे, मतलब पैसों वाली, जिससे वाणिज्यिक खेती आपको पता होगा है ना, ऐसे करना होगा वाणिज्यिक चीज़ें होती, तो ये खेती जब करवाते थे। अब ये खेती करने लगे दोस्तों तो यहाँ पर खाद्यान्न कमी होने लगी, भाई गेहूँ धान ये सब चीज़ें उगाओगे नहीं तो खाओगे क्या, तो अंग्रेजों का प्रेशर होता दोस्तों ये चीज़ें उगाना शुरू कर दे, इसी वजह दोस्तों क्या होता था अकाल पड़ता था, भूखे लोग मर जाते थे ना, इसका यही कारण था। आप बताते हैं कि भारतीयों को दोस्तों नील की खेती करने और अंग्रेजों द्वारा निर्धारित शर्तों पर बेचने को मजबूर कर दिया। नील खेती दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी किसानों को, ठीक, उनके हाथ सड़ जाते थे ना, आपको पता होगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों नील आंदोलन चलाया गया था दोस्तों, तीन घटिया कानून है ना, ऐसी चीज़ें बहुत चीज़ें आपने देखा होगा, बहुत से विद्रोह भी हुए बाद में, ठीक है, तो मजबूर करते थे। अब देखिए ये सब चीज़ें जब शुरू कर दिया दोस्तों हुआ क्या, अब देखिए भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण की गति दोस्तों, जिससे भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ गई दोस्तों, भूमि पे अधिकार कर लिया, ठीक, स्वामित्व कर लिया दोस्तों भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं है वो ज़्यादा हो गए, तो किसी के यहाँ दोस्तों गुलामी करने लगे, ठीक है, समझिएगा। असो वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के कारण दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ गई, जिससे बार बार दोस्तों अकाल पड़ने लगा। अब देखिए अंग्रेज कहते थे यहाँ पर आप नील खेती करिए, कॉफ़ी खेती करिए, चाय खेती करिए, है ना, तो अफीम खेती करें दोस्तों, फिर क्या होगा जब आप इन्हीं खेती करेंगे दोस्तों तो अनाज कैसे उगाएंगे, गेहूं धान उगेगा नहीं तो फिर भूखे मरना ही मरना दोस्तों, अकाल, इसी कारण से बार बार अकाल भी पड़ता था, ठीक है। अब बात करते हैं परिवहन और संचार में क्या फर्क पड़ा, तो आप बताते हैं अंग्रेजों ने अंतरदेशीय क्षेत्रों को निर्यात बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे शुरुआत की, ताकि ब्रिटिश माल की आवाजाही को बनाया जा सके। देखिए रेलवे तो शुरुआत कर दी दोस्तों, है ना, मैकाले ने, मगर दोस्तों वो चीज़ें उन्होंने अपने फायदे के लिए की, ना कि हमारे फायदे के लिए, ठीक है। आप बता दें ये चीज़ याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853 में बंबई के बोरी बंदर से लेकर के दोस्तों ठाणे के बीच एक ट्रेन चलाई गई थी, पहली ट्रेन, ठीक है। चलिए सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, आप बता दें 19वीं शताब्दी में दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या हो गया, बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, बहुविवाह हो गया, जाति व्यवस्था जैसी धार्मिक सामाजिक प्रथाएं दोस्तों जहां प्रचलित महिलाओं के साथ जीवन में दोस्तों बहुत जगह भेदभाव होता था ना, वही दोस्तों को बता दें कि जैसे कि कुछ दोस्तों समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, है ना, सर सैयद अहमद खान हो गए, अरोड़ा आसिफ अली हो गए, जैसे नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन सामाजिक एकता की तलाश करते थे और स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की ओर प्रयास करते थे, ठीक है। आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों दोस्तों 1829 में विलियम बैंकिंग द्वारा दोस्तों संती प्रथा का अंत किया गया दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लेखपाल में पूछा गया था अभी जो हुआ था, ठीक है, कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1829 में किसके द्वारा दोस्तों तीसरे द्वारा किया गया, विलियम बैंकिंग द्वारा, किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 1872 में एक कानून पारित किया गया जिससे दोस्तों अंतर जातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाह को बैध कर दिया गया, है ना, बैन कर दिया गया। ईश्वरचंद विद्यासागर दोस्तों आपको बता दें विधवा पुनर्विवाह, ईश्वरचंद विद्यासागर की सहायता से 1856 में लाल डलहौजी द्वारा दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। उसके अलावा बलि प्रथा को हार्डिंग द्वितीय ने बंद कर दिया दोस्तों, बलि चढ़ाते जो बच्चों को बलि चढ़ाते थे ना छोटे बच्चों के, उसको दोस्तों बंद कर दिया गया, ठीक, काफ़ी मतलब यहाँ पर देखें तो दोस्तों अच्छे काम भी किए अंग्रेजों ने, ठीक है। चलिए शिक्षा नीति की बात कर ले, तो आप बताते भारतीयों को दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित किया जाए ताकि उन्हें सस्ते क्लर्क मिल जाए। अब देखिए समझिएगा ये चीज़ें, अब देखिए अंग्रेजों की सोच क्या थी,
अंग्रेजों सोचे थे कि भैया हम अगर अपने वहाँ से कोई लेके आए क्लर्क है ना जो लिखा पढ़ी करे तो बहुत महंगा पड़ेगा। अब यहाँ भारत में दोस्तों अंग्रेजी सिखा दी, अब यहाँ भारत में दोस्तों एकदम सस्ते दामों पे क्लर्क मिलने शुरू हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई है ना। उसके बाद आपको बताऊंगा 1813 का एक चार्टर एक्ट अधिनियम आता है जिसमें कहा जाता है कि भारत में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे। दोस्तों हालांकि ये खर्च नहीं हो पाए थे, बहुत देर में जाकर के इन पर बहस भी चली थी ना। चलिए अगला आपकी 1854 में दोस्तों बुड्स डिस्पैच ने सरकार से जनता की शिक्षा के लिए दोस्तों जिम्मेदारी लेने को कहा तथा सभी प्रांतों में दोस्तों शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। और आपको 1857 में कलकत्ता मद्रास और बॉम्बे में संबद्ध दोस्तों विश्वविद्यालय भी खोले गए। दोस्तों ये थे आपके कुछ प्रभाव थे, किसके अंग्रेजी प्रभाव थे ना, अंग्रेजी है ना। तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे, आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा ना। चलिए अब दोस्तों एक चीज़ और आपको, अब देखिए जो हमारा एक अगला टॉपिक जो है यह है आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, यानी 1857 क्रांति। देखिए ये भी आपके हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते। देखिए इसमें जो मेन मेन चीज़ें उन्हीं को हम पढ़ेंगे, फालतू चीज़ें हमें नहीं रटना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं केवल उन्हीं को हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए 1857 क्रांति के बारे में देखते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये, ठीक है। आपको पता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। देखिए इस समय दोस्तों इंग्लैंड की महारानी कौन थी, विक्टोरिया, और प्रधानमंत्री कौन थे, पामर्स्टन, ठीक है, और भारत का जनरल गवर्नर कौन सा था दोस्तों इस समय, तो लॉर्ड कैनिंग, शायद ये वायसराय हो गया था, ठीक है, इसी बात दोस्तों वायसराय हो जाता ना। और दोस्तों 1857 क्रांति है दोस्तों, चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल का फूल और रोटी थी दोस्तों, याद रखिएगा कमल का फूल और रोटी इसका क्या था दोस्तों, प्रतीक चिन्ह था 1857 की क्रांति का, ठीक है। विद्रोह की बात करते हैं तो आर्थिक कारण क्या था, कर वसूली दोस्तों, कर बहुत सारे लगाए जाते थे दोस्तों, आर्थिक कारण कह सकते कर वसूली, मनमाने कर थोपना, ठीक है। उसका सामाजिक कारण की बात करते दोस्तों, देखिए सती प्रथा का अंत कर दिया था, बाल विवाह का अंत कर दिया, विधवा विवाह शुरू कर दिया। देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये तो अच्छा किया, मगर दोस्तों कुछ लोग थे है ना, जैसे पुराने लोग होते कहते नहीं ये हमारा प्रथा आपने समाप्त कर दिया ना, तो इसलिए दोस्तों उनके अंदर विद्रोह था कि भैया तुमने सती प्रथा अंत कैसे कर दिया, बाल विवाह कैसे अंत कर दिया ना, हमारी बिटिया शादी शुरुआत बचपन में हो जाती थी, ठीक है, अभी तुमने बंद कैसे कर दिया ना, तो उन चीज़ों से दोस्तों खफा थे। तो सामाजिक कारण दोस्तों ये सब चीज़ें बनने लगी, ठीक। उसके अलावा धार्मिक कारण क्या हो, ईसाई धर्म कराना दोस्तों, आपको बता दें ये ईसाई थे अंग्रेज दोस्तों, ईसाई धर्म पर करते थे जो भी हिंदू थे, ठीक, इनको ईसाई धर्म में परिवर्तित करना शुरू किया था, धार्मिक कारण ये था कि भैया ईसाई बन जाओ तुमसे ये टैक्स नहीं लेंगे है ना, तुमको उच्च दर्जा दिया जाएगा, ये सब चीज़ें तो ईसाई धर्म में परिवर्तित करते थे दोस्तों ये, ठीक है, लोगों को, भारतीयों को इसे खपाते लोग। और आप बताते हैं कि 1850 में एक लेक्स लोकी कानून पारित किया जिसके अनुसार दोस्तों क्या होता था कि हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा दोस्तों उसे पैतृक उत्तराधिकारियों से वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब जो बाप की दोस्तों जायदाद है उससे वंचित नहीं किया जाएगा अगर वो ईसाई हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसलिए वो भी बहुत से लोग दोस्तों इसे खपाते। राजनीतिक कारण की बात कर लें, सहायक संधि, अब देखिए यहाँ पे आ रखिएगा सहायक संधि किसने शुरू की, तो लॉर्ड वेलेजली ने, किसने, वेले जली सहायक संधि दोस्तों किसने किसने अपनाई, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछे आएंगे यार कि राजनीतिक कारण में सहायक संधि जनक कह सकते हैं अपने भारत में कौन है, तो वेले जली, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सहायक संधि किसने अपनाई थी, तो हैदराबाद के निजाम ने, ठीक, 1798 में सहायक संधि अपनाई थी, ठीक है। फिर मैसूर तंजौर 1799 में, फिर दोस्तों अवध पेशवा ने 1801 में, फिर बरार के भोसले दोस्तों 1801 में 1803 में, और सिंधिया ने दोस्तों 1804 में ये सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक हड़प नीति शुरू हुई थी, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, क्या, हड़प नीति यार के बहुत इंपॉर्टेंट, हड़प नीति किसकी है, तो किसकी है, डलहौजी की, ठीक है। अब देखिए इसने किसको कैसे किया, तो दोस्तों सबसे पहले इसने अवध को अपनाया, अवध को हड़प लिया, किसके, कुशासन का आरोप लगा के, क्या, कि सही से आप शासन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पंजाब, पेगू और सिक्किम दोस्तों विलय कर लिया, विलय के अधिकार के द्वारा दोस्तों विलय कर लिया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, संभल, बघाट हो गया, उदयपुर हो गया, झांसी हो गया, नागपुर, इसको व्यपगत के सिद्धांत पर आधारित दोस्तों इसको भी छीन लिया, और तंजौर व कर्नाटक को दोस्तों नवाबों की उपाधि छीन ली गई, जिसके कारण दोस्तों यहाँ के राजा भी दोस्तों क्या हो गए, इनके खिलाफ हो गए, ठीक है। सैनिक कारण दोस्तों आपको बता दें कि कैनिंग सरकार के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के पारित किया, जिससे दोस्तों सैनिकों में असंतोष फैल गया,
भारतीय सैनिकों से दोस्तों भेदभाव किया जाता था और भारतीय सैनिकों दोस्तों समुद्र के पार भेजा जाता था लड़ने के लिए, जबकि दोस्तों भारतीयों का दोस्तों समुद्र के पार जाना दोस्तों एक अशुभ माना जाता था ना। तो ये चीज समझिएगा, ये भी कारण सैनिक कारण बन गए। तात्कालिक कारण दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट, तात्कालिक कारण क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। समझिएगा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग से तात्कालिक कारण था। आपको बता दें कि 28 मार्च 1858 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे चर्बी लगे कारतूस का विरोध किया और लेफ्टिनेंट बाक को गोली मारकर हत्या कर दी तथा सर्जेंट ह्यूस्टन को है ना गोली मार के घायल कर दिया। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें फिर दोस्तों इनको पकड़ा जाता मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दी जाती है और यही से दोस्तों विद्रोह में बदल जाता है। दोस्तों यही सबसे तात्कालिक कारण होता है विद्रोह का। ठीक है, आपको बता दें कि क्रांति का प्रारंभ क्या होता है दोस्तों, 10 मई को लोग मेरठ में एकत्रित होते हैं और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना मुख्य नेता मान लेते हैं। और आपको बता दें जब अंग्रेजों छापा मारते हैं तो दोस्तों ये जो होते हैं कौन, बहादुर शाह जफर, ये दोस्तों कहाँ पकड़े जाते हैं, ये दोस्तों आपको बता दें कि हुमायूं के मकबरे में दोस्तों अपने बेटे के साथ पकड़े जाते हैं। दोस्तों ये छिप जाते हैं हुमायूं के मकबरे में, दिल्ली में पड़ता है हुमायूं का मकबरा, और यहाँ से अंग्रेज इनको पकड़ के दोस्तों रंगून भेज देते हैं और रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, SSC GT 2022 में ये पूछा गया। ठीक है, जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके यहाँ से आते हैं कि क्रांति के प्रमुख केंद्र और उस किसने इसको नेतृत्व किया, जैसे कानपुर में दोस्तों किसने नेतृत्व किया, तो नाना साहब और तांता टोपे ने, ये आपके UP SSC फॉरेस्ट गार्ड 2022 से पूछा गया। तो देखिए आपसे क्या पूछेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया, नाना साहब और तांता टोपे ने। फिर झांसी में किसने किया, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने। इलाहाबाद में लियाकत अली ने। बरेली में खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है, खान अब्दुल सॉरी खान बहादुर खान ने। ठीक है, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला खान है और बेगम हजरत महल ने दोस्तों कहाँ पे, लखनऊ में। और जगदीशपुर में किसने दोस्तों, जगदीशपुर बिहार में पड़ता, कुंवर सिंह ने। दोस्तों ये कभी हारे नहीं थे दोस्तों, ठीक, कुंवर सिंह ये सबसे एजेड भी थे दोस्तों और हारे नहीं थे, ये चीज़ याद कर लेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आएगा बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, कि 1857 क्रांति क्या है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया। अब सो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं हमारे बैच छात्र जो सो जुड़ सकते हैं मात्र 399 रुपये में। हम अगर आपके जूनियर स्टूडेंट दोस्तों, आपको बता दें कि आपके 58 के आसपास नंबर दोस्तों, तो आप ये बैच परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये हमारा समर्पण बैच है दोस्तों, अगर इससे जुड़ना है जुड़ सकते हैं दोस्तों। साइंस की टेंशन आपको है तो आप जुड़ जाइए, बेचक दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से इसमें साइंस कराई जा रही है। ठीक है, और जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, ये मिल जाएगा UP SSC PET 2023 के नाम से बैच मिल जाए, समर्पित बैच, यहाँ से आपको सारी चीज़ें करा दी जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।